सरकार द्वारा शुक्रवार को अनुपूरक बजट 30 करने के बाद भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ ने स्वागत किया। व्यापारियों ने गोलघर इंदिरा गांधी प्रतिमा के समक्ष एक दूसरे को मिठाई खिलाई और बधाई दिया। इस दौरान व्यापारियों ने आतिशबाजी किया और ढोल नगाड़े की धुन पर सरकार को बधाई देते हुए बजट का स्वागत किया। खुशी के इस पल में रवि कुमार मौर्य, संतोष वर्मा, राजू शर्मा, अमित सिंह, विकास दादा, गौरव वर्मा, गौरव गुप्ता, विनय सिंह सहित अन्य व्यापारी शामिल हुए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए बीजेपी व्यापार प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय सह संयोजक भोला अग्रहरी ने कहा, भोला प्रसाद अग्रहरी। आज जो बजट पेश किया गया है उससे खुशी में व्यापार महानगर व्यापार प्रकोष्ठ जो है खुशी मना रहा है। इस बजट में जहां किसान जो है इस देश का काला पेट पालने वाला होता है, इस देश का काला रहनुमाई करने वाला होता है और व्यापारी जो विकास की गति देता है, इन दोनों के लिए सरकार ने बहुत ज्यादा ही फायदा दिया है। जहाँ हमारा 2.5 लाख का स्लैब था, इस बजट में व्यापारियों को राहत देते हुए 5 लाख कर दिया गया है। इससे हमारे कर्मचारी इससे फायदा होंगे और जो स्टैंडर्ड डिडक्शन था कर्मचारियों का उसे 40 हज़ार से बढ़ा के 50 हज़ार कर दिया गया है। और सरकार जो है जो 40 हज़ार रुपया इनकम करेगा उस पर कोई TDS नहीं कटेगा। और किसानों के लिए सरकार ने 6 हज़ार रुपया एनुअल जो है इनको राशि देगी, जिसको 3 पार्ट में दिया जाएगा, चर चर महीने में 2-2 हज़ार दिया जाएगा। किसानों को क्रेडिट कार्ड भी दिया गया है, अब किसान सुविधा अनुसार अपने लोन भी ले सकते हैं, उनको कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरी बात, हमारे सैनिक जो सीमाओं पे देश की रक्षा करते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, उनका पेंशन सरकार ने बढ़ा के 7 हज़ार कर दिया है। और जो 60 साल के असंगठित मजदूर होते हैं और लोग होते हैं, वृद्ध होते हैं, उनका भी हमारी सरकार ने पेंशन व्यवस्था 7 हज़ार कर दिया है। ये बजट आम जन के लिए सबके लिए लाभकारी है। इसी की खुशी में हम व्यापारी समाज यहाँ एकत्रित हुए हैं। महानगर व्यापार प्रकोष्ठ के माध्यम से हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं और जैसा कि हम लोग बहुत खुशी है, आने वाले दिनों में भी 2020 साथ ही हमारी सरकार ने छोटे छोटे जो हमारे लोन लेने वाले हैं उद्यमी, उनके लिए भी सरकार ने इस बजट में व्यवस्था की है। ये बजट एक संतुलित बजट है, किसानों के लिए बजट, दूरगामी भविष्य में किसान फसल बीमा योजना के माध्यम से सरकार जो ये जो व्यवस्था की है 6 हज़ार रुपया एनुअल, ये किसानों के भविष्य को सुंदर भविष्य का निर्माण करेगी। हम सभी लोग मोदी जी को बधाई देते हैं, इस बजट की घोर घोर प्रशंसा करते हैं। आने वाला दिन भारत का उज्ज्वल रहेगा, प्रत्येक नागरिक का उज्ज्वल रहेगा। किस तरह से मना है? खुशी हम लोग मिठाई वितरण आपके सामने कर रहे हैं, पटाखा बजा कर रहे हैं, सारा जनमानस आज खुशी कर रहा है और हम लोग निरंतर जो है विकास के पथ पर भारत बढ़ रहा है। इसके लिए मोदी जी को हम लोग कोट कोट बधाई देते हैं। धन्यवाद।